सो हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी कठपुतली के बारे में, जिसका कि ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अब अगर मूवी के बारे में बात करें तो पहले हम मूवी के बारे में कुछ अच्छी और सच्ची बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मूवी की अच्छी बात यह है कि मूवी देखने के लिए आपको सिनेमा घरों में जाने की जरूरत नहीं है। 2 सितंबर को आप घर बैठे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर इस मूवी को देख सकते हैं। वहीं पर मूवी के अंदर आपको जो है अक्षय कुमार के साथ साथ नकुलप्रीत, चंद्रचूड़ सिंह और सरगुन मेहता देखने को मिलेंगे। ये मूवी जो है वो जैकी भगनानी के प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाई गई है। वहीं पर मूवी जो है ये साउथ का एक बार फिर से आपको मूवी के अंदर रीमेक देखने को मिलेगा। ये साउथ की मूवी जो है रत्सानन का रीमेक है। वहीं पर ये भी कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है सोवियत संघ के एक सीरियल किलर की रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है। अब अगर हम बात करें मूवी की स्टोरी की, तो एक काफी लंबे टाइम बाद मैं अगर देखूं तो अक्षय कुमार को हम काफी लंबे टाइम से कॉमेडियन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इस बार जो है इस मूवी के अंदर एक बार फिर से हमें उनका जो है खिलाड़ी वाला अंदाज जो है वो देखने को मिलेगा। मूवी की जो स्टोरी है एक कसोली एरिया की है, जिसके अंदर एक जो है बेरहम इंसान है जिसके हाथ में खूबसूरत सी गुड़िया, और ये खूबसूरत गुड़िया कोई और नहीं बल्कि स्कूल की मासूम बच्चियां हैं, जिनका बहुत बेरहमी से जो है वो मर्डर करता जाता है और उनकी डेड बॉडीज को जो है पब्लिक प्लेस पर पहुंचा देता है। यानी कि हो ना हो ये मर्डरर जो है, जो ये कातिल है, वो खुद पुलिस वालों को जो है चैलेंज दे रहा है कि देखो मैं आए दिन जो है मासूम बच्चियों का मर्डर कर रहा हूं, लेकिन तुम जो है मुझे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हो। तो ऐसे में अक्षय कुमार कहीं ना कहीं वो कहावत को सच करता हुआ नजर आते हैं कि भाई अकल बड़ी या भैंस। उनको लगता है कि अब मेरी पावर जो है काम नहीं कर रही, तो मुझे सीरियल किलर के साथ जो है वो माइंड गेम खेलना पड़ेगा। और ऐसे में जो है तीसरा मर्डर होने वाला, उस मर्डर को रोकने के लिए अक्षय कुमार के पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है। यानी कि ये जो सीरियल किलर है वो कहीं ना कहीं ये जो मर्डर कर रहा है वो एक टाइम पीरियड के अंदर कर रहा है, या फिर उसने पुलिस वालों को चैलेंज दिया है कि भाई मैं ये जो तीसरा मर्डर है वो 2 दिन के अंदर करने वाला हूं, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। तो क्या अक्षय कुमार इस तीसरे मर्डर को रोक पाएंगे या नहीं, ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अक्षय कुमार का बोलूं तो काफी लंबे टाइम बाद हमें एक इस तरीके का जो है रोल देखने को मिलेगा, जो कि काफी पहले जो है खिलाड़ी मूवीज में उनका जो है एक एक्शन रूप हमें देखने को मिलता था। तो ऐसे में उस मर्डरर को पकड़ने के लिए अक्षय कुमार जो है पूरे के पूरे कसौली एरिया को सील कर देते हैं। तो देखना होगा कि अक्षय कुमार जो है उस मर्डरर को पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन मेरी शक की सुई जो है काफी लंबे टाइम बाद हम चंद्रचूड़ सिंह को इस मूवी के अंदर देख रहे हैं, तो मेरी शक की सुई जो है कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ सिंह के ऊपर जा रही है कि हो सकता है कि सीरियल किलर का किरदार जो है वो इस मूवी के अंदर चंद्रचूड़ सिंह ने निभाया हो। तो दोस्तों आपका क्या है इस मूवी के बारे में कहना, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।